क्या आप माफी मांगना चाहते हैं? मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीएम केजरीवाल से सवाल। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या वह आपराधिक मानहानि के एक मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर जारी समन को बरकरार रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के संबद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से प्रसार किए गए कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट कर गलती की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ से शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि केजरीवाल एक्स या इंस्टाग्राम जैसे सार्वजनिक मंच पर माफी मांग सकते हैं। पीठ ने वकील से कहा कि आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, हम इसे दूसरे पक्ष के समक्ष रख सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता माफीनामे का प्रारूप केजरीवाल को दे सकते हैं। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि इसलिए यदि आप माफी मांगना चाहते हैं तो अपने अधिकारों और दलीलों के पूर्वाग्रह के बिना इसका प्रसाद कर सकते हैं, उन्हें पड़ताल करने दे। पीठ ने कहा अन्यथा हम इस कानूनी मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या केवल रीट्वीट करना अपराध है या नहीं। हम आपसे सहमत हो सकते हैं, हम दूसरे पक्ष से सहमत हो सकते हैं, हम उसकी पड़ताल करेंगे। जब वकीलों में से एक ने निर्देश लेने के लिए वक्त मांगा तब पीठ ने कहा उन्हें माफीनामा दिखाइए, यदि वो इससे सहमत होते हैं तो ठीक है। मामले को 13 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए निर्धारित करते हुए पीठ ने कहा कि उसका पहले का आदेश जिसमें उच्च न्यायालय को 11 मार्च तक मानहानि मामले पर सुनवाई नहीं करने के लिए कहा गया था, सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।